हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी देख सकते हो सुबह सुबह भाई निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है सुबह के, रुके एक मिनट, वॉच भी बहुत गंदा है यार। 5:30 हो रहा है सुबह का और मैं निकल लिया हूँ एकदम, और अपने 2-4 बंदे भी आ रहे हैं। मतलब आज मैंने संडे राइड प्लान करी थी तो इसलिए मतलब आ रहे हैं भाई। जितने बंदे उठ पाएंगे उतने आएंगे भाई अब, क्योंकि अभी तो बता नहीं सकते कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और हाय, तो भाई हाय भूसा भी आने वाली थी बट अनफॉर्चुनेटली आएगी नहीं, बिकॉज हाँ जो दोस्त था जिसकी हाय भूसा थी उसने अपने फ्रेंड को दी, एंड वो फ्रेंड जब वापस आ रहा था तो भाई उसने ऐसे ब्रेकर में लड़ाई की, मतलब कूलेंट वूलेंट उसका सब फट के निकल गया, ऐसा गिरा है ना भाई कि गाड़ी हीट हो गई। और उससे क्या है मतलब थोड़ा बता रहा इशू हो गया वायरिंग वायरिंग में कुछ है, बस भाई जैसा उसने बताया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस यही कुछ सीन है, इसलिए हाय भूसा नहीं आ रही है। CBS 650 तो भैया जगते ही नहीं, इसलिए वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी भाई 11-12 बजे वाले हैं सुबह उठने वाले, तो उनका भी कैंसिल। एंड बाकी जो अपने 2-4 दोस्त हैं वही आएंगे, और काफ़ी हैं यार उतने, क्योंकि जो अपने बुलाने पे आ रहा है वो होता है मेन दोस्त, ठीक है। तो बस यही है यार, बाकी ये हथका भाई बहुत गंदा है। कॉल आ गई यार, अब मुझे साइड में रोकनी पड़ेगी। तो गाइस अभी फ़िलहाल आ चुके हैं फन मॉल के बाहर, और यहाँ पे सीन देख सकते हो कितने हैं, मतलब अपने बुलाने भाई लोग जितने भी आए भाई बहुत हैं। और ये पीछे देख सकते हो भाई जिनको मैंने कॉल तक नहीं किया और बंदे भाई आए अपने उससे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है भाई। यहाँ पर ये देख सकते हो R1 भी अपने साथ, Duke 250 भी है, NS भी है भाई, Raider भी है, पीछे भाई एक और है, सब लोग मतलब आए जितने भी हैं बहुत है यार। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, और चलो भाई 8-9 गाड़ियाँ हैं भाई हमारे साथ में, तो बहुत है यार ये देख सकते हो। और पीछे भी आए इससे सब, ये देखो सही लग रहा भाई सिस्टम। हाँ जीत नहीं पाएंगे। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं सारे राइडर इंदिरा डैम, और वहाँ पे जाके थोड़ा चिल करेंगे, फन करेंगे, एंड थोड़ा कंटेंट शूट करेंगे अपना, एंड देन आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आप निकल जाएंगे घर वगैरह। और इसमें देखो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, रेफ करो, सही है। संडे का भाई जिस हिसाब से हम लोग वेट करते हैं, मतलब राइडर्स लोग समझ सकते हो ये रखा है, ये निकले बाकी तो अपने पीछे ही आ रहे हैं भाई। और मैं बता रहा था कि हम लोग वेट करते हैं बिकॉज भाई ऐसे बंदे मतलब ग्रुप में सब संडे ही वाले दिन इकट्ठे हो पाते हैं भाई, क्योंकि कोई कहीं बिजी होता है कोई कहीं बिजी होता है, और संडे अर्ली मॉर्निंग हम लोग प्लान करते हैं एंड प्लान करते हैं, बाकी आ जाते हैं भाई सब बंदे, तो यही कुछ सीन रहता है। और बाकी कुछ बंदे भाई सोते रह जाते हैं, कुछ बंदे सोते रह जाते हैं तो वो नहीं आ पाते हैं भाई, तो यही कुछ सीन रहता है। बाकी जितने भी आ पाते हैं उतना बहुत रहता है भाई, देख ही रहे हो अभी इतने जितने बंदे आए हैं उतने कम नहीं हैं, बहुत हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं इंदिरा डैम वाली रोड पे, और यहाँ पे अब सब राइडर अपने जोश में आ चुके हैं। और ये देखो राइडर 125, तो रीशू भाई हैं अपने, तो अभी मतलब 2-3 दिन पहले डिलीवरी ली है भाई ने, और मुझे भी बुलाया था भाई ने बट अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया, तो मामा ने बुला लिया था काम से, तो इसीलिए भाई। और फिलहाल देखो अब मज़ा आएगी भाई, पूरे एक तो इधर सन्नाटा रहता है ना इसलिए मज़ा बहुत आता है भाई। थोड़ा भाई आप लोग भी राइड सेव करो, बिकॉज प्रो राइडर 1000 अपने साथ नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो ये सब आपको पता ही है। मैंने उस बारे में एक भी वीडियो एक भी शॉर्ट नहीं डाली है, जस्ट बिकॉज कि मैं किसी भी बंदे का नाम नहीं यूज़ करना चाहता, अगर वो जिंदा होते तब भले यूज़ करता, उनके शॉर्ट डाल लेता, कुछ भी करता, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है तो यार हम उनका कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि YouTube फुल ऑफ दिस कंटेंट ही हो चुका, मतलब यही सब डाल लें कि भाई प्रो राइडर इज़ नो मोर, प्रो राइडर ने ये करा वो करा इसलिए एक्सीडेंट हुआ भाई। अबे आज पुलिस वाले नहीं है, हाँ
गाड़ी आप पकड़ लीजिए। टॉपिंग इसका 110 होगा। अरे कितना? हाँ 100 तो हो गई। लगाइए देखिए। ये आ गया भाई लक्ष्मण झूला। अपना सस्ता लक्ष्मण झूला है यहाँ पे। और ये क्रॉस होते हुए हम लोग यहाँ से एकदम स्ट्रेट, फिर वो आ जाएगा अपना इंदिरा डैम। बहुत लंबा रूट है एक तरह से देखा जाए भाई, बहुत दूर पड़ता है हम लोग को। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं इंदिरा डैम पे, और यहाँ पे अपने एक भाई पहले से बैठे हुए हैं। बढ़िया। और भाई ये सही है, पहले ही आके बैठ जाओ भाई। अच्छा तो फिलहाल देख सकते हो भाई ये कुछ लगा लाइनअप अपना, और फिलहाल आ चुके हैं भाई जन्नत में। एक तरह से अपने लिए लखनऊ वालों के लिए जन्नत ही है भाई। और ये देखो भाई वहाँ पे आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पुलिस वाला क्या इशारे कर रहा था, जाओ जाओ। मतलब हम लोग को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे कहीं पुलिस वाले पहले से ना खड़े हो, या फिर वही लोग ना बाद में आ जाए। फिलहाल अभी देखते जैसा सीन होगा वो आपको दिखाएंगे आगे। अगर रास्ते में है तो फिर भाई देखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिलहाल इतना ही कुछ लाइनअप है। R1, फिर यहाँ पे अपने भाई की स्प्लेंडर है, वो स्प्लेंडर ही भाई, फिर KTM, फिर ड्यूक, फिर NS, R1, और ये भाई देख सकते हो पैशन, बाकी रेजर एंड उधर डिस्कवर। तो ये कुछ लाइनअप है भाई। और अपने बुलाने भाई इतने बन जाए ये भी मेरे लिए बहुत है भाई। मतलब बहुत क्या, बहुत ही है भाई, क्योंकि देख रहे हो ना बहुत होता है यार, इतना बहुत होता है अपने लिए। और फिलहाल ठीक है, और आगे दिखाते हैं फिर आपको। गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे BVD के थोड़ा आगे ही खड़े हुए हैं, और यहाँ पे अपना पूरा ग्रुप भी आ चुका है जैसा कि ये देख सकते हो। ये थोड़ा पीछे रह गए थे ये लोग, इसलिए बाकी यहाँ पे अपना पूरा ग्रुप आ चुका है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब ये हैं भाई, जितना भी है ये देखो ठीक है। और फिलहाल अभी यहाँ पे चाय पी रहे हो हम लोग वहाँ इंदिरा डैम पे। भाई चाय क्यों नहीं पिया, पी पाए भाई? क्योंकि भाई वहाँ पुलिस वाले आ गए थे, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और भाई दिक्कत कुछ भी नहीं थी, वो हम लोग तो कुछ कह भी नहीं रहे थे। बट जो मतलब एक दूसरा ग्रुप आया था ना भाई, मतलब दूसरे राइडर आ गए थे, उसमें से भाई एक येलो RS से था, वो हेलमेट कुछ नहीं लगा था, गंदी राइडिंग कर रहा था रैश राइडिंग, और उसको पुलिस वाले बुलाए। तो हम लोग ने भी सही नहीं समझा कि भाई एक अगर पकड़ा जा रहा है दूसरा भी पकड़ा ही जाएगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई निकल लो आराम से, आगे चल के चाय पी लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे अगर कोई सीन हुआ तो वो थोड़ा दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं होगी भाई, बट अपने दो चार दोस्त ऐसे हैं जिनके पास DL वगैरह कुछ नहीं है, तो प्रॉब्लम है थोड़ी। तो चलो कोई ना, अभी शादी से बोल दिए। नमस्ते साहब, हम गरीब लोग हैं। गरीब लोग देख रहे, बड़े लोग हैं गाइस, बड़े लोग तो कहीं से नहीं है भाई, हम जो भी हैं आप ही के हैं भाई। तो चलो चाय वाय पीते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम लोगों ने लोकेशन चेंज कर दी और अभी आ चुके हैं BVD के बाहर जैसा कि देख सकते हो। और फिलहाल यहाँ पर चाय वाय पीते बोल रही है और निकल भी चुकी है, अभी चाय पीते हैं। क्या लगवा रहे हो? ये देखो आ चुकी है चाय, दे दीजिए भैया पहले उन लोगों को। चाय तो अच्छी लगी देखने में, और पीने में देखते हैं कैसी है फिर।